हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण। हम देखते हैं इस वीडियो में जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जेई के नोटिफिकेशन आया था उसका ऑफिशियल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा इसके बाद ये हमारा इंडिया का मैप दे रखा है। इसमें नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि हेडक्वार्टर्स डिफरेंस जो हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हैं उसके हेडक्वार्टर्स। अब आते हैं हमारी पोस्ट, जो जो पोस्ट पे हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है। जेई की पोस्ट है, एक JEIT की पोस्ट है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट है। अब आते हैं हम इसके नोटिस पे। डेट ऑफ पब्लिकेशंस 29 हमारी दिखा रहा है, ठीक है। और आप देखिए इसमें ये हमारी डेट है, 29 का नोटिफिकेशन आया। ओपनिंग हमारी 2 जनवरी से है, क्लोजिंग हमारी 31 जनवरी है। पेमेंट ऑफलाइन हम 4 फरवरी तक कर सकते हैं और ऑनलाइन 5 फरवरी तक। सबमिट हमें करना है 7 फरवरी, और उसका टेंटेटिवली हमारा अप्रैल टू मई में इसका प्री CBT1 होगा। तो ये कुछ चेंज भी हो सकता है क्योंकि अप्रैल और उसमें हमारा मई में इलेक्शंस हैं, तो शायद इलेक्शंस की वजह से ये 1 महीना और डिले हो जाए। जून में होना चाहिए पेपर, क्योंकि इसका CBT2 कराने में पूरा सितंबर आ जाएगा। तो देखते हैं इसके बाद हम जो हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन ये कि स्टेज टू स्टेज में एग्ज़ाम होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टू स्टेज में CVT होगा, ठीक है। ये नोटिस इससे पहले जो मैंने आपको शेयर की थी वीडियो उसमें था। और CVT2 के लिए 15 टाइम्स हमारा जो रहेगा, कहते हैं शॉर्ट लिस्ट रहेगा, मतलब एक सीट के लिए 50 टाइम्स स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो 14,000 अगर सीट्स हैं टोटल, तो अराउंड इसको 15 से 2 कर देंगे आप, तो आपका 2 लाख के अराउंड स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT2 के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है हमारी, तो ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे अगले उस पर। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट बात करेंगे हम। अगला हम देखते हैं इसमें, ठीक है, ये जिनकी कलर ब्लाइंडनेस है वो उनको एक कलर विजन टेस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो कलर ब्लाइंडनेस हैं वो शायद उनके लिए टफ है। ये मुझे उतना पता नहीं है इसके बारे में, मगर ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये आप देख लीजिए। स्टैंडर्ड्स पे हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड्स हैं हमारे इसके कलर ब्लाइंडनेस के, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे वो है। अब आते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो एज, मैंने आपको बता दी 33 ईयर्स तक है, और रिलैक्सेशन है OBC और SC ST के लिए, इतना इतना रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है, JNK वालों के लिए रिलैक्सेशन है। अब ये आते हैं फीस, मैंने आपको बताया 500 फीस है, जिसमें 400 रिफंडेबल फीस है हमारी, ठीक है। 400 हमारी रिफंडेबल फीस है, और फाइव ये फर्स्ट स्टेज और CBT के बाद हमें यहाँ रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। और वो SST की हमारी 250 है, जो कि फुल्ली रिफंडेबल है। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले उस पे। पेमेंट हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस पे अब हम इसका जो इम्पोर्टेंट हमारा वो है इसके बारे में सिलेबस, जो सिलेबस क्या है CBT के लिए डिस्कस करते हैं। जो सेंट्रलाइज, हाँ ये आगे लिखी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारी जो है, ये देखिए, ये कॉमन फॉर ऑल पोस्टेस, ओनली सिंगल एप्लीकेशन एक ही पोस्ट के लिए, सभी पोस्टों के लिए अप्लीकेबल है। उसमें आप जब आएगा तो उसमें प्रेफरेंस मांगेंगे, और CBT2 फॉलोड बाय द CBT1 टेस्ट होगा, फिर CBT2 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये पूरा प्रोसेस है। अब आते हैं हमारे स्टेज वन पे। स्टेज वन में 90 क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है, और 90 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट्स। फॉर PWDD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट है, हमारे लिए 90 मिनट्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, ठीक है। और CBT2 में फिर हम देखेंगे क्या है, ये हमारा सिलेबस है, सिलेबस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्टूडेंट्स
ज़्यादा यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं सिलेबस में हमारा मैथ्स में, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए ये पूरा हाईलाइट कर दिया है कि मैथ्स में जो सिलेबस में मैथ्स का देख रहा हूँ इतना टफ नहीं है, जनरल ये टफ नहीं है, जो जनरल अवेयरनेस है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि थोड़ा इसके वजह से सिलेबस बढ़ जाएगा, बाकी सब बहुत सही है, ईजी नहीं कहूँगा। 10th तक की आपको जनरल साइंस पढ़नी पड़ेगी, तो आपको जी केमिस्ट्री लाइफ साइंस पढ़नी पड़ेगी अप टू 10th क्लास। और ये हमारा रहा आपका मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 30, टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में करने हैं हमें। ठीक है, ये CBT 2 का भी देख लेते हैं हम। CBT 2 हमारा देखिए इसमें 120 मिनट्स में करना है हमें, 150 क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है, सिलेबस इसका मैं ये बात दिखा देता हूँ, मैं क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे। ठीक है, क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव, मल्टीप्लाई इंक्लूड जनरल अवेयरनेस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट सिलेबस ऑफ जनरल अवेयरनेस फिजिक्स एनवायरनमेंट कॉमन फॉर ऑल नोटिफाई अंडर, ये सब कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस का, इसका भी सिलेबस लगभग वही सिलेबस है, कॉपी पेस्ट किया है उन्होंने, उसमें भी आप देखिए जनरल अवेयरनेस का वही सिलेबस है जो उसमें था, बस इसमें हमारा इंक्लूड हो गया है। देखिए इसमें इंक्लूड हो गया हमारा क्या, जी केमिस्ट्री 10th, अब CBSE सिलेबस बेसिक कंप्यूटर हमें पढ़ना पड़ेगा, बेसिक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन पॉल्यूशन मेंशन ईच एंड इट्स अरे, ये बताऊंगा क्या क्या सिलेबस है। द टेक्निकल विल बी फ्रेम द सिलेबस डिफाइंड फॉर वेरियस एग्जाम ग्रुप्स गिवन एट ABCDEFG, जो हमारे एग्जाम ग्रुप हैं उसके, इसमें भी हम देखेंगे, हमारा इस तरह का पेपर है। ठीक है, इसमें भी टेक्निकल एबिलिटीज़ के 100 क्वेश्चंस आएंगे और बेसिक इन्वायरमेंट के 10, कंप्यूटर के 10, फिजिक केमिस्ट्री के 15, जनरल के 15, टोटल 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स में करने हैं हमें। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसके बाद इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये ब्रांच एलिजिबल है, ये इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैक्रोनेट्रिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीन इंजीनियरिंग, टूल्स मेकिंग, कॉम्बिनेशन, ये सब एलिजिबल हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी, कि इलेक्ट्रिकल में सिर्फ एक सब स्ट्रीम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के अंदर कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT वाले भी एलिजिबल हैं, बस सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ आवर डिसिप्लिन, इनकी कोई ना कोई एक सब स्ट्रीम होनी चाहिए इन डिसिप्लिन की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि सिर्फ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या था जाते हैं हम CMA की पोस्ट पे, इसमें BSc केमिस्ट्री फिजिक्स एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम IT ब्रांच पे, इसमें BTEC IT PGDCA और आपका BCA भी एलिजिबल है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज CBT में ये नॉर्मलाइजेशन होगा हमारा, ये ठीक है नॉर्मलाइजेशन होगा हमारा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम जो भी इम्पोर्टेंट है हमारा JPG फॉर्मेट में हमें ये करनी है, कैंडिडेट को फोटोग्राफ, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप पहले से करके रखे हैं कि सिग्नेचर फोटोग्राफ, SST सर्टिफिकेट, ये सब रखना है हमें। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वाली बात है वो हम देखते हैं, अब फोटोग्राफ का मैंने आपको बता दिया था, यही है DPI स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं। और 1:10 द कलर फोटो मस्ट बी हैव टेकन, 1:10 के बाद की फोटो हो ये। ठीक है, ये उसके बाद देखते हैं हम, ये बोर्ड्स हमारे अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, ये बोर्ड्स हैं हमारे। ठीक है, ये बोर्ड्स इनके बारे में बात करेंगे। मेन आते सिलेबस पे, क्या क्या सिलेबस है किस ब्रांच का वो हम देखेंगे।
ये जेई, ये हमारा सिलेबस है पूरा सिविल इंजीनियर्स का, ठीक है। सिलेबस देखिए पूरा जेई सिविल वालों के लिए सिलेबस, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। देखिए इतना सिलेबस सिर्फ सिविल सिविल वालों का है सिर्फ। और ये टोटल सिलेबस सिविल वालों का है ये, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से उनको क्या क्या पढ़ना है। उनको इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग से मैकेनिक्स, बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन फिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, कंक्रीट, जियोटेक्निकल थ्योरी, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, एडवांस, ये सब पढ़ना है। अब आते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल वाले और लाइट ब्रांचेस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें बहुत कुछ पढ़ना है, पूरा मशीन्स पढ़ना है, पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क पढ़ना है पूरा, ठीक है। और बेसिक बेसिक ज़्यादा सिलेबस नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी देखिए इसमें भी ये है पूरा सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस मैंने तो देखा है कि थोड़ा सा एडअप किया है, क्योंकि बेटा एलिजिबल कर दिया इसलिए, ठीक है। सिग्नल सिस्टम हटा दिया, देखिए बहुत सही चीज, कुछ कुछ चीज़ें हटा दी हैं। लगभग लगभग 90% सिलेबस जेई एसएससी जेई का है, बस थोड़ा थोड़ा 15% 25% और 90% में इंक्लूड कर दिया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए। उसके बाद देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो सिलेबस है वो इंजेक्शन डायोड, डिजिटल लीनियर सर्किट्स, माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोकंट्रोलर, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये सब इंक्लूड किया हुआ है। तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है मुझे लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का, मगर मैकेनिकल का सिलेबस बहुत काफ़ी है, मैकेनिकल सिविल का सिलेबस। इसमें देखिए सिलेबस इसका कितना है। उसके बाद ये है हमारा आईटी, जो आईटी ब्रांच वालों का सिलेबस है, पॉइंटर, नंबर सिस्टम, डेटा, ये सब पढ़ेंगे वो, ठीक है। और ये प्रिंटिंग वालों के लिए है। मेन आते हैं सीएमए वालों के लिए क्या है, ये देखिए सीएमए क्या लोगों को, मेजरमेंट, लाइट मैकेनिक्स, साउंड, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, एसिड बेट, केमिकल रिएक्शन, मैटर एटर, सब पढ़ना पड़ेगा उन्हें, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट, देखिए अब सिविल में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। डिपार्टमेंट होते हैं ब्रिज डिज़ाइन, पी वे, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, आर एन डी, इसमें भी देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड, A3C1, A3C1, C1A3, इतनी पोस्ट होती है हमारी सिविल वालों के लिए, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रैक मशीन इसकी एलिजिबिलिटी A3 है, उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों अलाउ हैं, मैकेनिकल्स की है पोस्ट, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल में, हम इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों हैं, ठीक है। आर एन डी में इलेक्ट्रिकल लिखा ना, मैकेनिकल थोड़ा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है इसमें एलिजिबल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आते हैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल्स पे देखिए 3, इसमें मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। R&D, जनरल सर्विस, EMU, ठीक है। R&D, TRD, TRD वर्कशॉप, इसमें से भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, देखिए 3 ईयर डिप्लोमा। SNT में भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं और मैकेनिकल नहीं है, देखिए इसमें खास बात यह है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ एलिजिबल है, मैकेनिकल नहीं है इसमें। स्टोर्स में देखिए सिर्फ मैट्रिक एंड इक्विवेलेंट 3 ईयर डिप्लोमा, ये CMA वालों के लिए है। और डिपो मटेरियल के लिए देखिए ये है। और उसके बाद आ जाते हैं ये RRB का, हर किस किस सिविल में, पी वे में ये डिपार्टमेंट थे सिविल के, मैकेनिकल के डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं, ये RRB अहमदाबाद, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा इसका पूरा लिंक दे दूंगा आपको, देख लीजिएगा आप उसे। अहमदाबाद, अजमेर में देखिए इतना इतना पोस्ट सब में दिया हुआ है, जिससे आपको फॉर्म भरना है आप भर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कट ऑफ्स के बारे में, ये पूरा इसमें बस हर RRB के बारे में बताया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, हम कट ऑफ जो हमारी 14 और 15 में कट ऑफ रही थी RRB की, वो हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।